हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यूज़ स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैबोरेटिक्स सुब्रतो आप लोगों को पता है हम लोग बात कर रहे थे पंजाब का जो हेड क्वार्टर का जो क्वेश्चन आया था मेडिकल लैबोरेटो टेक्नीशियन का वैकेंसी जो को, जो क्वेश्चन पेपर आया था तो मेरे पास वो ऑलरेडी आ, आ चुका था तो ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चंस उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके थे एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं मैं आप लोगों को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के जितने सारे वैकेंसीज आ रहे हैं और वहां पे जितने भी सारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं ये चैनल पे ठीक है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चले चलते हैं विदाउट एनी डी आज के जो सेशन है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कूलिंग एजेंट तो ऑप्शन में आप लोगों को बहुत सारे माइक्रोटोम के नाम दिए गए हैं सो so में आप लोगों को जैसे कि फ्रीजिंग माइक्रोटॉम स्लाइडिंग माइक्रोटॉम रोटरी माइक्रोटॉम एज नॉन दिया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कूलिंग एजेंट के रूप में आप लोगों का काम करता है बट द क्वेश्चन हियर इज कौन सा माइक्रोटॉम है जैसे कि आप लोगों को पता है हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोग माइक्रोटॉम यूज करते हो फॉर माइक्रोटॉमी फॉर माइक्रोटॉमी माइक्रोटॉमी के लिए यू यूज माइक्रोटॉम देयर आर अ वैरायटी ऑफ देयर सो दीस आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द माइक्रोटोम्स लेकिन क्वेश्चन है कूलिंग एजेंट तो यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है कि कूलिंग एजेंट जो दिया गया है कौन सा माइक्रोटोम होगा जहां पे आप लोग कूलिंग एजेंट के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करोगे तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है नो फ्रीजिंग माइक्रोटोम यानी कोई भी चीज यहीं पे फ्रीज हो रहा होगा नो yes, no. कोई भी चीज यहीं पे फ्रीज हो रहा होगा सो so, यही जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है वहीं पे क्या होता है ना यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग यूज करते हो एज ए कूलिंग एजेंट बिकॉज पेशेंट इज इन ऑपरेशन थिएटर और आप लोगों को तुरंत ही रिपोर्ट चाहिए होता है बायोप्सी रिपोर्ट तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो फ्रीजिंग माइक्रोटोमी कर लेते हो तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बहुत ही इजी सवाल है आप लोग इसे ऑलरेडी स्कूल में भी आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ाई कर लिए हो व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल ओके द क्वेश्चन हियर इज वट इज द पवर हाउस ऑफ द सेल तो ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों को साइटोप्लाजम माइटोकंड्रिया सेल वाल एज वेल एज राइबोज तो अगर आप लोग देखोगे सो दिस इज अः फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूर सेल ओकेटर यू हैव यूर न्यूक्लियस नो सो दिस फ्लूड पार्ट इज योप्लाजम राइट ओके तो माइटोकंड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गन इन योर सेल एंड सेल वाल इज अ Here, here. here. this is is the the cell wall Mitochondria one of organelle And उसके बाद आप लोगों को ये चार ऑप्शन दिस इज द साइटोब तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं सो पावर हाउस ऑफ द सेल आप लोग किसे बोलते हो दैट इज द नन अदर देन or no? ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है माइक्रोकिया दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल आप लोग सोचते हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इनर एग्जामिनेशन बट देख रहे हो आप लोग कितना ही इजी सवाल पूछ रहा है इनर एग्जामिनेशन चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है देख लेते हैं फुल फ्राम ऑफ एम जी जी एम जी जी का फुल फ्रॉर्म पूछा है मे वर्ल्ड जिम्सा मे जिम्सा जिम्सा मे जिमसा वर्ल्ड या फिर नो अगर जिसको फुल फ्राम पहले से पता होगा दे कैन ओनली आंसर एम जी जी मे तो होगा ही लेकिन मे में स्टार्टिंग में आप लोगों को ग्रून होगा या फिर हो नहीं होगा बट ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन मे ग्रल्ड जिमसा हो सकता है या फिर मे जिमसा ग्रान हो सकता है बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में ओके okay? तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है और ये क्या है, MGG, क्या है? Yes no? is, किसी को पता है एमजीजी स्टेन हम लोग क्यों करते हैं लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन स्पेशल स्टेन एमजीजी हम लोग क्यों करते हैं कौन सी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए गो फॉर एमजीजी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है एल मोल्ड इज आज। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हिस्ट्रोपैथोलॉजी जैसे कि पहले से बता रखी हूँ मैं कि ये जो पूरा पूरा हंड्रेड क्वेश्चन है फर्स्ट थर्टी से फोर्टी क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर हिस्ट्रोपैथोलॉजी यानी कि पैथोलॉजी नेक्स्ट फोर्टी क्वेश्चंस आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड में लास्ट में आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यस yes, ये क्या है हिस्टोपैथोलॉजी से ही सारे क्वेश्चंस ऐसा कैसे नहीं यू हैव टू वेट ओके तो एल मोल्ड इज आल्सो नोन एज ल्यूकार्ट मोल्ड लिवर मोल्ड नॉन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव तो नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा बिकॉज़ कुछ तो होगा बहुत सारे लोग जो है उसको सोचते हैं ये आप लोगों का आयरन से बना है एल्यूमिनियम से बना है नहीं दिस इज ए ब्रास मटेरियल बिकॉज आप लोग इसको मेल्टेड पैराफिन जो होता है मेल्टेड पैराफिन को आप लोग सोलिडिफाई करने के लिए यू

हिस्टोपैथोलॉजी लैब ओके तो ये ही आप लोगों को बता दूंगा तो एच ई स्टेन जो होता है, है uh, so, वहीं पे ही आप लोग क्या करते हो वहीं पे आप लोग ग्लूइंग करते हो ओके इज दट क्लियर ऑल ऑफ यू तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच एंड ई स्टेन ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है

नॉन यानी कि क्या हिस्टोकाइनेट हम लोग ऑटो स्ट्रेनर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा ऑटो स्ट्रेनर भी आजकल अवेलेबल है यस और नो तो क्या यह हम लोग ऑटो स्ट्रेनर को हिस्टोकाइनेट बोलते हैं या फिर टिश्यू प्रोसेसर को या फिर माइक्रोटॉम को यस yes. तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर को ही आप लोग बोलते हो हिस्टोकाइनेट इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोगों के सामने आके है disease, तो ये जो क्रोनिक लिवर डिजीज आप लोगों को ये दो वर्ड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होंगे दैर इज एक्यूट सेकेंड वन इज योर नो अक्यूट इज द फर्स्ट इमीडिएट स्टेज that is uh, uh, i can say that it is not dangerous at all but in case of chronic condition what happens the person may die also yes or no so this is a chronic condition chronic condition is a severe condition severity is there uh, it is a, at most a dangerous condition so but the question here is uh, chronic liver disease will be end stage chronic liver disease ka end stage any yani last stage kya hota hai so can we say that alcoholic liver disease no No. Option number A में जो दिया गया है सिरोसिस बहुत ही स्टूडेंट्स ने आप लोगों ने सुना होगा सिरोसिस के बारे में सर नो लीवर होगा बहुत ही अच्छे से सुना होगा इस word को क्रोनिक लिवर डिसीज इज क्लियर ऑल ऑफ यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के सामने आ चुका है आईबीडी बी डी इनफ्लटोरी डिसीज टोरी बायल डिसीज जो होता है ये क्या होता है ये क्या इंक्लूड करता है क्रॉन्स डिसीजिवि तो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आई बी डी समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन कैन यू कनेक्ट तो इन्फ्लेमेटोरी बावल डिसीज जो होता है ये किस चीज को कनेक्ट करता है किस से इंक्लूड करता है ये कौन सा डिसीज को इंक्लूड करता है क्रॉन्स डिसीज क्या होता है

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्टिव बोन मैरो इन ट्वेंटी ईयर ओल्ड वुड बी तो ट्वेंटी ईयर है उसको ट्वेंटी ईयर हो चुका है मतलब इट हैज क्रॉस्ड योर टीनेज ये टीनेज क्रॉस कर चुका है तो अभी वो एडल्ट है यस और नो कैन आई से दैट एडल्ट कंडीशन में बेस्ट सोर्स ऑफ एक्टिव बोन मैरो वुड बी इलिया क्रेस्ट लेनियर एंड एज वेल एज फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इलियक्रेस्ट दैट इज अदरवाइज कॉल दिस हिप बोन ओके सो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेस्ट सोर्स कौन सा होता है एक्टिव बोन मैरो कलेक्शन का

हीमोग्लोबिन नहीं है आरबीसी डिसेस में तो ये तीन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन किसका यूनिट जो है पीजी में है किसका यूनिट जो है पिकोग्राम है 82 से 94 पिकोग्राम इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आरबीसी इंडिसेस 82 से 94 पीजी किसका हो जाएगा आप लोग चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिए तब तक हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं इसको करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एम और वॉल्यूम दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आरबीसी इन रिसेस एटी टू नाइनटी फोर पीजी के लिए बस इतना ही आज हम लोग टेन क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर पाए हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए थैंक यू